पलायन कर चुके हैं वो शायद ही अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट पाएं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पहाड़ों में इस समय रह रहे हैं उन्हें पलायन करने से रोका जा सके, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। रूरल टेल्स का भी यही मकसद है कि कैसे अपनी ग्रामीण पहाड़ की जो अर्थव्यवस्था है, जो गाँव की अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत किया जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और इसी मुहिम की कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अपने गांव आपको ले चलते हैं नावा। पिछले 2 सालों से लगातार कई जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उस सवाल पूछ रहे थे कि आखिर मेरा गांव कौन सा है, मेरा इलाका कौन सा है, वहां प्लान की क्या स्थिति है, वहां पहाड़ की क्या स्थिति है। तो चलिए मेरे साथ मेरे गाँव, मेरे पहाड़, मेरी जन्मभूमि की तरफ। फोटो खींचने जाते जाते हैं, चलो फिर हम अपने गांव जा रहे हैं। वैसे हमारे गांव आने के पौड़ी से भी रास्ता है और कोटद्वार से भी, तो कोटद्वार से पाटीसैंण हमारा बाज़ार है और पाटीसैंण से हम जाते हैं फिर नावा गांव, और पौड़ी से भी हम पाटीसैंण आएंगे। पाटीसैंण बीच में पड़ता है पौड़ी और जो कोटद्वार के। साथ में हमारी चाचा जी हैं, देखिए चाचा जी कर रहे हैं ड्राइव, और ये है कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे। हाँ बिल्कुल चले। मंदिर की एक पूरी अलग से वीडियो बनाएंगे ज्वाला देवी की, कहाँ से आई, कैसे यहाँ पहुँची, कितने इलाके की देवी है, मेला कब होता है, वो पूरी जानकारी। यहाँ पर हम इसलिए रुके हैं कि हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। यह है चौंतकोट जनशक्ति मार्ग। तो हमारे जो पूर्वज थे, यानी मेरे दादाजी, उनके भाइयों ने या गांव के लोगों ने इस रोड को बनाने में मदद की थी। अंग्रेज़ों ने जब कोटद्वार से पौड़ी के बीच रोड पहुंचाई, तो इस इलाके के लोगों ने भी ये डिमांड करी कि हमें भी रोड चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो लोगों ने स्वतः ही श्रमदान के माध्यम से इस रोड का निर्माण किया, जो सतपुली से शुरू होती है। सतपुली में भी ऐसा ही गेट लगा हुआ है,
चौंदपुर जनशक्ति मार्ग। तो यहाँ से पाटीसैंड 3 किलोमीटर है, सतपुली 18 किलोमीटर है। तो ये कोटद्वार की तरफ जा रहा है, ये बड़ा पुल है। पहले गाड़ी इस छोटे पुल से जाती थी, जब हम बचपन में आते थे पौड़ी तो इस छोटे पुल से जाते थे। हाँ अभी ले रहे हैं चाचा जी, ये है छोटा पुल है। पहले सिंगल रोड थी, अब ये पूरी हाईवे है तो डबल लेन बन गई है। ये है नयार, नयार नदी है, इसकी दो पार्ट है, पश्चिमी नयार और ये पूर्वी नयार। बाजार बिल्कुल नहीं बदला चाचा जी, है ये प्रताप नोएडा हुई होगी। सबसे बड़ा लाला कौन है यहाँ का? जाते रहते हैं ना, मैं आपका नंबर लेने वाला था कि भाजी आप वहाँ सर जाते हैं लास्ट गाँव क्या गाँव? आपको साईं जी, मैं इस क्षेत्र के बारे में जितना भी जानता हूँ उतना बताऊँगा, है कि नहीं? बताइए रावत जी, बाजार कब बना? मतलब जैसे ये पाटीसैंड बाजार, ये डाट पुल है। हाँ ये डाट पुल 1947 में बना था अंग्रेजों के टाइम पे, और उसके बाद ये बाजार बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हुआ ग्राम सभा ग्वार जैतोल सिंह। ये पाटीसैंड किस पट्टी में आया? ये जैतोल सिंह में है, जैतोल सिंह पट्टी में है, जैतोल सिंह में जी। तो सबसे पहले दुकान आपकी? दुकान हमारी, और आप भी ग्वाड़ गांव के रहने वाले? हम कुड़ियाओं के हैं। अच्छा, और पाटीसैंड में हमारे पिताजी रहते थे। अच्छा, तो पिताजी हमारे 1980 में ख़त्म हो गए थे, तो उसके बाद से हम दुकानदारी में हैं। और सबसे बड़ी दुकान कौन सी है जो एक हर बाजार का एक फेमस फेमस प्रसिद्ध लाला होते हैं? पहले भरसिंह जी थे। हाँ, अब श्री गुणानंद जी हैं और मीजी जी हैं। तो आप किस किसके पास चलते हैं हम मिलने के लिए? चलेंगे धनियाल जी के पास चलेंगे। चलिए, तो रावत जी हमें लेके जा रहे हैं एक और व्यापारी के पास। धनियाल जी पूरा नाम आप? हाँ जी, मेरा नाम सुरेश चंद धनियाल है। वैसे हमारा मूल गांव मंजियाड़ी है, पाटीसैंड में ही काफी सालों से रह रहे हैं हम लोग। धनियाल जी, ये इसकी कहानी क्या है, पाटीसैंड कैसे बना होगा, ये कुछ याद है आपको कैसे डेवलप? पार्टीशन के बारे में खैर इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में ये है, जब से मैंने हम लोग होश वास में आए हैं तो रोड बताते थे हमारे फादर वगैरह बताते कि रोड यहीं तक थी, पार्टीशन तक ही थी। तो यहाँ से मेन मार्केट ये था, उससे पहले जो आगे संतुधार पड़ता है नवाखाल लाइन पे, संतुधार में एक डिपो टाइप का सा था, सरकारी राशन की दुकान वगैरह सारा वहीं से जाता था। पूरा मवाल सिंह, ये हमारे पूरे जैतोल सिंह वगैरह जो उधर की पट्टियाँ हैं सारी, पाबो पैठानी तक सारी वहीं से जाता था वो। फिर धीरे धीरे ऐसे ही डेवलप हुआ, काफ़ी अच्छा मार्केट था ये, काफ़ी अच्छा मार्केट बन गया था। लेकिन जब से ये रोडें इधर उधर गई हैं, ब्रांच लाइनें जो इधर से ब्रांच लाइनें बनी हैं मेन रोड से, तब से बहुत फर्क पड़ा काफी। पार्टीशन का जो आकर्षण था वो कम हो? बहुत कम, बहुत कम, मैंने 25% काम रह गया समझ लो। अगर कोई आइटम कमी कम पड़ गई तब जाके हम लोग यहाँ पे स्टेबली का काम कर रहे हैं। और पहले शादी का सब सामान ही सब टोटल जाता था पहले, अब लोग बाहर दिल्ली सारे जगह से ला रहे हैं। पार्टीसैंड तो ये तो अंग्रेजों का राज से बना हुआ है, आज का तो बना हुआ है नहीं, ठीक है? अंग्रेजों का राज से बना हुआ है,
हमारे पापा दादा की परदादा की चक्की थी यहाँ पे, एक पैसा एक अन्ना दो अन्ना पिसाई लेते थे हम, डीजल की चक्की चलती थी। और उनके हमारे दादा से भी उनके पिताजी थे आनंद सिंह रावत जी गुड़गांव के, सबसे पहले उनकी दुकान थी चाय समोसा की, यहाँ पे गेट लगता था, ठीक है, गेट ये गेट सिस्टम था यहाँ पे, जब भी कोई गाड़ी चलेगी तो गेट के बराबर सिस्टम चलती थी, चेन लग जाती थी, ये गेट आएगा तब उसके बाद दूसरा टर्न चलेगा, ठीक है। ये कम से कम 25 गांव का बाजार है। जैसे कुछ नाम, जैसे हुआ कठुली हुआ, बग्याली हुआ, जैरल हुआ, नाव हुआ, एंजे रेसण हुआ, किमोला हुआ, डोवल हुआ, ग्वाड़ हुआ, थाबली, जैंतोली हुआ, बाजार तो कई गांव का बाजार है, सरास हुआ, बडियार हुआ, रंगौड़ गांव हुआ, है जी। बाजार में गांव से के लिए छोटी बड़ी हर सामान मिल जाता है? मिल जाता है, यहाँ तो एट ए टाइम मिलता है। जी जो सड़क का स्थिति है मोटा से जो कटुली और नावा की तरफ जा रही हो, कब बनी हो, क्या स्थिति है? वो बनी थी 2006 में, और 2006 में से कितने विधायक जिता दिए और कितने सांसद चले गए, और आज तक उन्होंने गए आश्वासन दिया और भाई उसके बाद बोला हाँ पक्की कर देंगे, पक्की डामी कर देंगे। एक किलोमीटर है, 14 किलोमीटर पार्टी साइड से अमोटा से और एक सौ तक जा रही है जी, एक सौ से कहीं बग्याली से भी रोड जा रही, मोला से भी डोबल जा रही। पार्टीसेंट के बाज़ार में हम अपने दादी जी के साथ, कभी माँ के साथ, कभी पिताजी के साथ आया करते थे। यही हमारा सबसे बड़ा बाज़ार था, भले ही छोटा बाज़ार है लेकिन हम इसी बाज़ार में आने के लिए जिद करते थे, एक ये और एक एकेश्वर। अभी भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, कुछ दुकानें ज़रूर नहीं बनी हैं। करीब 30 से 40 गांव का ये बाजार हुआ करता था। पैदल रास्ता तो अभी भी होगा। हमारे गांव की रोड शुरू हो गई है, कठुली आएगा पहले 7 किलोमीटर यहां से। छह में बन चुकी है रोड और अभी तक पक्की नहीं हुई। बहुत बुरी है हालत इसकी, ऐसा था जी, सड़क की हालत तो बहुत बुरी है। बस आदमी तो लाना बहुत मुश्किल है यहाँ। अब मेरे चाचा जी जो हैं वो स्कूटी लेकर आ रहे हैं। कई जगह तो बड़ा ख़तरनाक रास्ता है जो सड़क, 2006 में ये दोस्तों बन गई है सड़क और आज तक ये डामरीकरण नहीं हुई। आप खुद कमेंट करके बताइए कि किसको दोषी दें। हाँ आगे चलो आप।
किसको दोष दें, किस सरकार को दोष दें कि ये अभी तक सड़क जो है वो डामरीकरण नहीं हुई। बरसात में तो बहुत मुश्किल होती है, और जैसे उत्तरकाशी चमोली के इलाकों में हमने देखा था कि सड़कें जब ख़राब होती हैं इस तरीके से, तो गर्भवती महिलाएं, बीमार कोई है, सड़क बाधित हो गई, कितना मुश्किल सामना करना पड़ता है उनको। ख़राब है तो उतरना पड़ा मेरे को। और वो पार कर दो आप, इसको चढ़ाई को पार कर दो आप। क्या करें, ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ अपने जीवन के बारे में, बहुत बड़ा फैक्ट। हुआ यूँ कि मेरा जो जन्म है इस पहाड़ के ठीक नीचे हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे। ये हमारा पुराना रास्ता है जो पाटीसेंट जाता है, यानी नावा बग्याली होते हुए पाटीसेंट। पाटीसेंट यहाँ जितने भी गांव हैं उनका प्रमुख बाज़ार है, और इस जगह पर हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस जगह से मेरी जन्मभूमि की कहानी जुड़ी हुई है। कहानी मैं आपको बताता हूँ, मेरे चाचा जी भी मेरे साथ हैं, वो उस समय की बात बताएंगे कि उस समय घटना क्या हुई थी। चाचा जी, कैसे हुआ था मेरा जन्म यहाँ पे इस जंगल में? हमारा गांव का नाम है ग्राम नावा तल्ला। तो मेरी भाभी जी थी, हाँ हमारे गांव के पूरे लोग जो है, पाटीसेंट हमारा मुख्य बाज़ार था। तो भाभी जी है कंट्रोल गेहूँ लेने गई थी, तो घर से चली थी तो और बाज़ार पाटीसेंट गए थे, पाटीसेंट से सामान सामान कुछ लिया। उसके बाद अमोठमा हमारा कंट्रोल की दुकान थी, तो कंट्रोल की दुकान से 30 किलो गेहूँ लाए भाभी जी, और भी थी लेडीज़ उनके साथ में, और भी लाए अपने अपने घरों के सामान लाए। तो बस पाटीसेंट से आते हुए चलते यहाँ पर हमारे एक बोलते हैं ढांगा जल है। ये ढांगा जल का यहाँ पर जंगल है, हमारा रास्ता था गांव का जाने का। तो ये जहाँ पर ये झाड़ियाँ हैं, अरे पेड़ हैं दो यहाँ पर। तो यहाँ पर ही हमारे भाभी ने एक हमारा जो है मतलब जो है शिशु का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ थे हमारा बेटा है, उसका नाम था नाम रखा गया था संदीप सिंह गुसाई। और वैसे घर का नाम क्या था? घर का नाम था ग्राम नावा तल्ला। और ये मेरा घर का नाम, मेरा नाम संदीप गुसाई तो वैसे था। घर का नाम इसका, उसके बाद गांव वालों ने इसका नाम रख दिया बट्टू रखा। हाँ, के बाट में पैदा हुआ ये वो और जंगल में आगे नहीं नया बनाया। ये वो रास्ते पे नया गांव वालों ने फिर पत्थर बिछा रखे हैं, थोड़ा चौड़ा कर दिया है। आप लोग चौंकिए नहीं, ये सच है। और ये नीचे यहाँ पर पेड़ हैं दो, उनके नीचे ये नया रास्ता है। यहाँ एक पैदल रास्ता दूसरा हुआ करता था, अब यहाँ पूरा जंगल है। क्यों चाचा जी? हाँ, ये रास्ता नीचे भी है ना, तब जो थोड़ा और रह गया ना दादी मियां उसके बारे में। और फिर उसके बाद जब खबर पहुंची गांव में, तो मेरी माँ थी और मैं था घर में। तो हम और भी एक दो लेडीज़ और भी आए दादी के साथ, हम के साथ हम भागे फिर जो है इस जंगल में ढांका जल में यहां पर आए। और तब हमने जो है बच्चे को अपना जो है अपने घर ले गए। चलो चाची, वैसे इस जगह को कहते हैं ढांका जल। यहाँ नीचे, इसके नीचे पानी भी है, पानी की धारा।
दोस्तों मैं अकेला नहीं हूँ जिसका जन्म रास्ते में हुआ है। उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म सड़क में या रास्तों में या नदी के किनारे या पुल में या गाड़ियों में हुआ है। आपने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि प्रसव जो है वो महिला जब बाज़ार जा रही थी या किसी काम से जा रही थी तो उन बच्चों का जन्म हुआ। तो मैं भी उन बच्चों में शामिल हूँ जिनका जन्म इस जगह पर हुआ, यानी इस जंगल में जो हमारा पाटीसैंण का रास्ता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे मेरी ऐसी बहुत सारी हजारों सैकड़ों कहानियाँ होंगी पहाड़ों में जब हॉस्पिटल की सुविधाएं बहुत नहीं थी। अब तो थोड़ी बहुत हो भी गई, लेकिन आज से 30-40 साल पहले तो स्थितियाँ और भी मुश्किल थी। वो है पाटीसैंण बाज़ार, यह है मेरी जन्मभूमि ढाका जल, यह ऊपर रास्ता मेरे गांव का। अब सड़क है, रास्ता नहीं दिख रहा है। यह है पैदल, पैदल रास्ता भी अभी ठीक ही है। तोली गांव से हम सफ़र करके अपने पैतृक गांव नावा पहुंच चुके हैं। नावा जो गांव है वो दो भागों में बटा हुआ है। पूरी जो ग्राम सभा है उसमें करीब 3-4 गांव हैं। थापलू है, नावा है, तल्ला नावा है, मल्ला नावा है और एक गांव और है। तो ये 4-5 ग्राम समूह मिलकर एक ग्राम सभा बनती है। कहानी आगे जारी रहेगी मेरे पैतृक गाँव की। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, कई भावनात्मक कहानियाँ आपके बीच अपने बचपन की और अपने गांव की आपके बीच शेयर करूंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल नमस्कार, जय नंदा, जय हिमाल। ये तो कुछ पानी नहीं है, ये तो जरा सा पानी है।